अरे राजेश जी आइए 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 बैठिए। शुक्रिया। और कहिए क्या लेंगे आप? नहीं बस मैं अभी ब्रेकफास्ट करके ही चला। नहीं नहीं कुछ तो जरूर लीजिए प्लीज। अच्छा मैं ये एक टोस्ट ले लेता। और कहिए इस गरीब की कुटिया पे आने की तकलीफ कैसे की? बस दरअसल आप लोगों से मिलने को जी चाह रहा था और पिताजी का भी हुक्म था कि आपसे सलाह मशवरा कर लूं जी। अरे सरला ये हैं राजेश जी और राजेश जी ये मेरी बीवी हैं सरला। नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। हमारे घर में अक्सर आपका ही जिक्र चलता रहता है। ये तो आपकी इनायत है, नवाजिश है और मोहब्बत। ये भी अक्सर आपकी तारीफ करते रहते हैं और चुन्नू तो जैसे आपको दोस्त ही समझने लगा है। क्या बात कर रही हैं सरला जी, इसे मैं अपना घर समझता तभी तो इतनी बेतकल्लुफी से यहाँ चला है। और वैसे भी पिताजी आप लोगों को इतने अरसे से जानते हैं। आपकी तारीफ जरा लंबी है। ये मेरा छोटा भाई भवानी है, गांव से आया है और आजकल हमारे साथ ही रहता है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भवानी जी। मैं भी जब से आया हूँ इस घर में आपकी ही बातें चल रही हैं। मेरी बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। खैर मिलना जुलना तो अब होता ही रहेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनों से अपने ही तो मिलते हैं जी। अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। मैं अभी आई। मैं आपसे एक खास मशवरा करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। राजेश जी मैं जिस लायक भी हूँ हासिर हूँ। दरअसल मुझे आपकी मदद की जरूरत है। भला हम जैसे गरीब लोग आप जैसे बड़े लोगों की क्या मदद कर सकते? आप अपने आप को गरीब नहीं कह सकते प्रताप नारायण जी। आपके पास जो दौलत है वो सबके पास नहीं। मैं समझा नहीं। आपके पास शराफत है, ईमानदारी है, काबिलियत है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे आपकी सरपरस्ती हासिल हो जाए। आप हुक्म तो कीजिए, इस घर में भला कौन आपकी बात के बाहर जा सकता है? प्रताप नारायण जी आपको तो पता ही है कि मेरी कॉस्मेटिक्स की एक काफी बड़ी कंपनी है जिसकी एजेंसी सब जगह है। लेकिन अब मुझे लगता है कि नॉर्दर्न इंडिया में मुझे अपनी एजेंसी बंद करनी पड़ सकती है। क्योंकि जिन लोगों को ये एजेंसी चलाने के लिए दे रखी थी उन्होंने ईमानदारी से काम करना बंद कर दिया, इसलिए मुझे एजेंसी को खुद संभालना पड़ा। अब मेरे पास तो एजेंसी को चलाने का वक्त बिल्कुल नहीं, इसलिए मुझे एजेंसी बंद करनी पड़ेगी और काफी नुकसान है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते राजेश जी कि पूरा इत्मीनान करके ये किसी दूसरे को दे दीजिए? आजकल ईमानदार लोग मिलते ही कहाँ हैं, और फिर मैं इसे क्यों ना अपने ही किसी को दूं? आप इस एजेंसी को क्यों नहीं संभाल लेते? इतना बड़ा काम और मैं हर तरह से आपके साथ हूं, बस मेरे पास वक्त की कमी है। सामाजिक काम भी मेरे इतने बढ़ गए हैं और कारोबार भी कि किसी भी चीज के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको तो पता ही है पिताजी तो कारोबार बिल्कुल नहीं देखते, सारी जिंदगी वो पढ़ते और पढ़ाते रहे, इसलिए सारे काम मुझे तनहा देखने पड़ते। अगर आपकी रजामंदी हो जाए तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। इनकी तो आप रजामंदी ही समझिए, हम कह रहे हैं आखिर हम इनके साले हैं ना। अजी हमने अच्छो अच्छो को रजामंद कर लिया, ये तो फिर भी राजेश जी
मैं चाहूंगा कि आप फिर भी एक बार सोच लीजिए, कहीं मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, मेरा भी अपना छोटा मोटा सा काम है, उसी से वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। दुकान की फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए प्रताप नारायण जी। चुन्नू अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, और अब तो भवानी जी भी हैं, वो दुकान को संभाल लेंगे। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मुझे इत्मीनान होगा, आपको फायदा होगा और मुझे सुकून मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कुछ शर्तें हैं तो आप मुझे बता दें। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे उस्ताद के बेटे हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। लेकिन राजेश जी, फिर भी मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, इसमें सोच विचार कैसा है? राजेश जी के एहसान को कल पे मत टालिए। दुकान तो भवानी और चुन्नू दोनों संभाल लेंगे, और आरती की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, उसके पास भी वक्त है, वो इनका हाथ बटाएगी। चलिए ठीक है, तो बताइए कब हाजिर हो जाए। बस बहुत जल्द, मुहूर्त निकलवा के दोबारा शुरू करना है काम को। अच्छा, अब मैं चलना चाहूंगा, इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, अभी चाय तो पीते जाइए, फिर कब। नहीं, अच्छा नमस्ते, आइए। दीपक, आज तुमने ना बोलने की कसम खा रखी। आरती, मैं ये सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। तुम्हें सोचने की बीमारी कब से लग गई? जब से कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई है। आरती, कॉलेज के दिनों में हम कितने आज़ाद पंछी की तरह थे, जब चाहा उड़े, जब चाहा बैठे, और पता ही नहीं चला कि वक्त कितनी तेज़ी से उड़ रहा है। वक्त कभी रुका है क्या? वो तो हमेशा अपनी निश्चित चाल पर चलता ही रहता है। ये तो हम इंसान ही हैं जो कभी भी समय के साथ अपनी चाल नहीं मिला पाते। तुम शायद ठीक कह रही हो आरती। आज कॉलेज से निकलने के बाद यूं लगता है कि जैसे हम एक ऐसी राह पर खड़े हैं जिससे कई राहें निकलती हैं, पर कौन सी राह पकड़ें ये समझ में नहीं आ रहा। दीपक, तुम इतने नासमझ कब से हो गए? जब से जिंदगी की असलियत को जाना है। कॉलेज के दिन कितनी मौज मस्ती के दिन थे, और जब से कॉलेज छूटा है तो ऐसे लगने लगा है जैसे कि सामने एक कंथहीन सड़क है जिस पर पेड़ तो हैं लेकिन छांव नहीं। दीपक, छांव तो ढूंढनी पड़ती है, पकड़ना पड़ता है उस पल को। आरती, मुझे लगने लगा है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। हम सब अपने आप में अधूरे हैं दीपक। वो कैसे? देखो दीपक, हर एक व्यक्ति का अपना एक सेट गोल होता है जिसको अचीव करने की कोशिश में वो हमेशा लगा होता है। उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ, सब उसी पे डिपेंड करती है। अब तो मुझे ही ले लो, मेरा मिशन है समाज सेवा, ज़रूरतमंदों, गरीबों की सेवा करना, और उस लक्ष्य को पाने की कोशिश में मैं निरंतर लगी हुई हूँ। आरती, मैं तुम्हारी सोच, तुम्हारी फ्यूचर, तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए जुड़ना चाहता हूँ। जो सफ़र कॉलेज के दिनों से शुरू होकर जिंदगी के अंत तक जाता हूँ, मैं उस सफ़र में तुम्हारा हम सफ़र बनना चाहता हूँ। दीपक, तुम जैसा हम सफ़र पाकर मुझे बहुत खुशी होगी, पर उससे पहले तुम्हें और मुझे, हम दोनों को अपने अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने अपने घर वालों का सहारा बनना है हमें। क्या ये सब हम एक होकर नहीं कर सकते आरती? सफ़र तो अभी शुरू हुआ है दीपक, और विश्वास रखो, जिंदगी का ये सफ़र मैं तुम्हारे बिना कभी पूरा नहीं करूँगी। हम हर कदम पर साथ होंगे। ओह आरती, आई लव यू। आई लव यू टू। आ गई आप, कहाँ थी? मम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। सिलाई सेंटर गई थी, उसके बाद दीपक के साथ थी। दीपक? तो दीपक के साथ घूमना तेरी सिलाई बुनाई है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं मम्मी, दीपक कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। मेरी तरह वो भी दूसरों के लिए काम करता है, सोशल वर्क करता है, दूसरों की मदद करता है। अच्छा अच्छा, बहुत हो चुका दीपक की अच्छाइयों का बखान। ये तेरी उम्र नहीं है यूं मारे मारे फिरने की। अरे,
ये दूसरों के चक्कर में पड़ी रही तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। अब वहम का तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं ना मम्मी। हाँ क्या बात है, किससे मिलना है? आरती जी का घर यही है। हाँ यही रहती है, मेरी बेटी है। मुझे उनसे काम था। आओ अंदर आओ। चलो तुझसे कोई मिलने आया है। कौन है आप? अरे अरे रो मत, बैठो बैठो। अब बताओ क्या बात है? मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा आदमी शराब पीकर मुझे रोज मारता है, मेरे यहाँ कोई भी नहीं है। मैंने उसकी शिकायत थाने में भी लिखवाने की कोशिश की लेकिन लोगों ने उल्टे मुझे डांट कर भगा दिया। देखो तुम रो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चल चलो आप। जब अंकल को मुझ पर इतना विश्वास था तो अरेंजमेंट तो ठीक करना ही था। थैंक यू। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? फर्स्ट क्लास प्लीज। कैसी हैं? आइए भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाभी जी, घर पे ही हैं। बच्चों साथ में भी गया प्लीज। आइए प्लीज। हेलो सर, हाउ आर यू? ऑल वेल। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? आने में कोई तकलीफ नहीं? प्लीज सर, एंजॉय योरसेल्फ सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो रजेश, हाय, हाउ आर यू? ये लीजिए ये लीजिए, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, थैंक यू। हेलो आरती, प्लीज प्लीज कम। हेलो अलीशा, कैसे हैं? प्लीज to meet your friends. Hi Deepak. Hello. Hello. आप नीचे ना कुछ प्लीज। बस Thank you.
Excuse me. Ladies and gentlemen, حاضرین خواتین حضرات آپ سبھی کی توجہ چاہوں گا. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کی یہ پارٹی میری ناردرن انڈیا کی ایجنسی کے نئے شو روم کی اناگوریشن کے خوشی میں دی جا رہی ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج سے ہماری ایجنسی کا نیا نام آرتی انٹرپرائزز ہوگا, اور دوسری خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آج سے اس ایجنسی کو میرے والد کے پرانے شاگرد شری پرتاپ نارائن جی چلائیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, پلیز گیو اے بگ ہینڈ ٹو شری پرتاپ نارائن جی. بیٹے راجیش, تم نے اور پروفیسر صاحب نے جو وشواس مجھ میں دکھایا ہے, میں اسے اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا. ارے کہہ دیا نا کچھ نہیں ملے گا. میں تو چنو تجھے ساری کی ساری دکان خریدوا دوں, لیکن جیجا جی ہے نا ناراض ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا چلے گا, نہیں بتائیں گے ان کو. ارے بھوانی, ارے راجیش بابو نمسکار. نمستے نمستے. اور بھائی چنو کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. سب بڑھیا. بھائی تم دونوں اس وقت یہاں کیسے؟ جی ہم دکان بند کر کے گھر ہی جا رہے تھے, چنو نے کہا ادھر سے گھومتے ہوئے چلیں گے. اچھا اچھا اچھا, تو ماما اور بھانجا دونوں ایک ساتھ اکٹھے گھومنے نکلے ہیں. جی میرے ساتھ ہو, میں گھماتا ہوں تم دونوں کو. ٹھیک ہے, آؤ. کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ چلو ایسا کرتے ہیں, پہلے پیتے ہیں پھر کھاتے ہیں. چنو یہ ہار کیسا ہے؟ اچھا ہے, دیدی کے گلے میں خوب سجے گا. ٹھیک کہتے ہو. آؤ چلو چلتے ہیں. پرتاپ نارائن جی, آج میں نے آپ کو ایک خاص بات کے لیے تکلیف دی ہے. قاعدے سے تو یہ بات مجھے خود آپ کے گھر آ کر کرنی چاہیے تھی, لیکن اپنا شاگرد سمجھ کر. کیسی باتیں کر رہے ہیں سر, آپ حکم کریں. سر آپ میرے استاد ہی نہیں, میرے محسن بھی ہیں. آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ لوگوں کی بدولت ہی تو ہوں. آپ تو جانتے ہی ہیں راجیش میرا اکلوتا بیٹا ہے. جی سر. اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد میں نے اسے ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کی, اسے شادی کرنے کے لیے بھی راضی کرنا چاہا, لیکن اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی. ورنہ اس کی عمر تو شادی کے لائق اس کی ماں کے سامنے ہی تھی. راجیش جی ابھی کون سے بوڑھے ہو گئے سر, ابھی بھی دیکھنے میں اپنی عمر سے کم ہی لگتے ہیں. پرتاپ نارائن جی. جی سر. بات یہ ہے کہ اگر آپ آئیے. سر بات کیا ہے؟ مجھے آپ کی بیٹی آرتی بہت پسند ہے, اور یہ میری خوش نصیب بھی ہے کہ راجیش بھی اسے پسند کرنے لگا ہے. اگر آپ یہ رشتہ قبول کر لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. یہ تو میرا سوبھاگیہ ہے سر, راجیش جیسے لڑکے کم ہی ہیں جو دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. لیکن سر اس سے پہلے میں اور لوگوں کی بھی. بے شک آپ گھر میں ضرور مشورہ کر لیں, بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ آرتی کی رائے بھی معلوم کر لیں. مجھے پوری امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. میں ہر ممکن کوشش کروں گا سر. اچھا سر اب اجازت چاہوں گا. دیدی ایک بات تو ہے, راجیش جی آدمی بہت اچھے ہیں. انہوں نے مجھے آئس کریم بھی کھلوائی اور خوب گھمایا. اچھا اب تو تجھے واک مین مل گیا, اب تو خوش ہے نا؟ بہت. آج اپنے آنے میں بڑی دیر کر دی. ہاں وہ ذرا راجیش کے پتا جی نے بلوایا تھا. کیوں, کوئی خاص بات؟ خاص بات تو تھی, مگر تم یہ سب کیا پھیلائے بیٹھے؟ یہ سب راجیش بھیا نے دلوایا ہے میرے لیے, واک مین, ماما کے لیے شرٹ, ممی کے لیے ساڑی, دیدی کے لیے ہار, اور آپ کے لیے وہ. لیکن ہماری بھانجی کا دماغ تو ساتویں آسمان پر ہے.
अजी उसने इन चीजों को हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। अपने कमरे में मूर्ति बनी बैठी है। हाँ भाई, क्या हुआ है आज हमारे बेटे को? कुछ नहीं पापा, नहीं कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। पापा आप जानते हैं मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज हमारे घर घर अच्छा अच्छा तुम इस मकान की बात कर रही हो। देखो बेटे, मैंने राजेश के बंगले के बराबर में एक बहुत बड़ी कोठी की बात कर ली है, तो वैसे भी ये मकान अब बहुत छोटा लगने लगा है। और तुम्हारे पापा भी आजकल कोई छोटी मोटी दुकान थोड़ी चलाते हैं भाई, एक बड़ी सी एजेंसी चलाते हैं। पापा मैं इस मकान की नहीं घर की बात कर रही हूँ, और आजकल जो इस घर में हो रहा है ना, वो एक ना एक दिन हम सबको ले डूबेगा। और रही बात मकान की पापा, तो मैं वक्त के साथ इस हद तक बदलना नहीं चाहती कि लौटना चाहूँ तो लौट भी ना सकूँ। आप किसी के भी मकान के करीब अपना मकान ले लीजिए, लेकिन मैं ये सब छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? कितने लोग हैं यहाँ जिनके लिए अभी मुझे बहुत कुछ करना है, कितना अंधेरा है यहाँ पापा जो मुझे अभी दूर करना है। तो बेटे मैंने कब कहा है ये सब छोड़ने के लिए? और जहां तक इस मकान की बात है तो हम इसको भी रख लेंगे। अब देखो बेटे, तुम्हारे पापा के पेट में भूख से इतने मोटे मोटे चूहे कूद रहे हैं, कुछ खिलाओगी ना? ये हुई ना अच्छे बच्चे वाली बात, कुछ खाते हैं। हेलो, 558-9879, हाँ राजेंद्र है, मैं राजेश। हाँ राजेंद्र, अरे मेरी जान मजा आ गया, लगता है आज पाला मार लिया है। क्या कहा? वो कैसे? वो ऐसे मेरी जान की पिताजी ने आज प्रताप नारायण जी से बात करके उनसे हाँ तो करा ली है, लेकिन अब क्या? वो क्या? हाँ वो भी ठीक चल रहा है। अरे अपने वो दोनों चेले हैं ना, चुन्नू और भवानी, उन दोनों को काम पर लगा दिया। हाँ हाँ, खतरा? अरे यार उस छोकरे से भला मुझे क्या खतरा? तेरा यार शेर है, निशाना लगाया है बिल्कुल सही जगह पे, करना क्या है, अब तू भी काम पर लग जा और फिर देख होता है क्या। बिल्कुल ठीक कहा। चल फिर बाद में बात करते, ठीक है? ओके डियर, बाय।